ज्योतिष नहीं हूं, मैं सीट्स का नंबर कभी नहीं देता, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की अवश्य जनता के आशीर्वाद के साथ ही बनने जा रही है। बहुत बहुत जिम्मेदारी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के नागरिक के रूप में है। विकास और प्रगति के सफर को सुनिश्चित करने का ही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश को एक नई विकास और प्रगति की उड़ान पर सुनिश्चित ले जाएगी। मैंने पहले से कहा है मैं सीएम के रेस में नहीं हूं, ना मैं कभी था ना आज हूँ। आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा है, 2013 में भी, 18 में भी और आज भी पूछ रहे हैं। तीनों बार मैंने कहा है कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ। ये रेस कुर्सी का नहीं है, ये रेस विकास का है, ये रेस प्रगति का है और ये रेस जनता का विश्वास सुनिश्चित रखने का है। कुर्सी का रेस कांग्रेस की। बहुत बहुत जहां इससे पहले सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, तो इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो रिएक्शन दिया वो आपने सुना। अभी लगातार वोटिंग की जो प्रक्रिया है, चूंकि एक थकान होती है अंशिका, एक बदहवासी सा आलम बन जाता है जब आप लगातार चुनाव प्रचार करते हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने क्या कुछ रिएक्शन दिया है वो भी सुनवा देते हैं आपको। मध्य प्रदेश के पूर्व